ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं द विजिटर्स। तो इस गेम में गाइस हम लोग एक छोटे से कीड़े हैं और हमें बनना है एक खतरनाक मॉन्स्टर। और वो हम कैसे बनेंगे, हम जिस भी बंदे को खाएंगे हमारे उसके अंदर उसकी शक्ति आ जाएगी। तो चलो यार, जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस मैं बता दूं, आप सभी लोग का इतना ज्यादा इतना बढ़िया प्यार आ रहा है कि अपना जो सब्सक्राइबर रेट है वो थोड़ा सा इतना सा बढ़ चुका है। बट हमें इसे 100 तक पहुंचाना है। तो जाओ यार, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज यार, भाई नहीं हो छोटी दबा दो यार, बाकी जो बहन भी है छोटी दबा दो, और जो बड़ी है वो भी दबा दो, सब सब्सक्राइब कर दो। द विजिटर भाई, फुल हॉरर स्टार्टिंग हो रही है इस गेम की। ओके, अभी फिलहाल अपनी शुरुआत एक अंधेरे से हुई है। आसमान से एक पत्थर आके गिरा है, और हाँ, शायद से हम लोग इस गेम के अंदर एक एलियन है, और वो देखो उस पत्थर में से एक छोटा सा अपना कीड़े जैसा करेक्टर निकला है। और जिस जगह पर हम लोग आके गिरे हैं, सामने एक फ्रॉग बैठा हुआ है जो कि फुल मजे में भाई सो रहा है, लग रहा है जिसने कुछ ज़्यादा पी ली थी। तो गाइस देखो, जैसा कि मैंने बताया था, इस गेम के अंदर हम लोग जिसको भी खाएंगे ना, हमारे अंदर उसकी शक्ति आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ना इस फ्रॉग को खाकर देखते हैं। ओके, हम लोग वहां तक शायद पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में काफी सारा पानी है, वो हमसे दूर है। ये चिड़िया को कुछ खा सकते हैं? नहीं। यहाँ पर एक ये पड़ी हुई है फिशिंग रॉड, बट इसका भी कोई यूज नहीं है। ओके, यहाँ पर एक ये पेड़ की टहनी है। ओह, ये पानी में गिर गई। वो शायद से गाइस अभी हम लोग इस टहनी के ऊपर चढ़ के फ्रॉग तक जा सकते, नहीं पहुंच गए। ओके, धीरे धीरे वहां पर पहुंच चुका है। अभी फ्रॉग को खा के देखें। ओ, भैंस की डंग फ्रॉग हमें खा गया। हेलो, ओह भाई, फ्रॉग ने हमें खाया। और हम एक ऐसे एलियन जैसे कीड़े हैं कि फ्रॉग के अंदर भाई कोई गंदा केमिकल आ गया और उसके अंदर पटाखा ही बच गया। हम लोग क्रीपर है गाइस, गलत लेवल वाले, हमें खाने के बाद पटाखा बचता है। और ये मैं हर चीज में माइनक्राफ्ट के घुसेड़ रहा हूँ, लग रहा है कुछ ज्यादा खेल लिया है। तो अभी हम लोग इस बर्ड को ही खा लेते हैं ना, क्या पता इसके बाद हम लोग उड़ने लग जाए। चल भाई वुडपैकर, बहुत माइनक्राफ्ट खेल लिया, अरे यहाँ से हट हट। शायद अभी हम लोग उतने बड़े नहीं हुए हैं। यहाँ पर एक फिशिंग रोड है, बट ये भी अपने काम नहीं आने वाली। इधर ये पत्थर, ऐसे कुछ हो जाएगा। ओ भाई, पानी के अंदर देखो गाइस, यहाँ से एक ना फिश निकल के जा रही है, और हम लोग इस फिशिंग रोड से इस फिश को नहीं पकड़ सकते। इस तरफ में एक होल बचा है जिसमें से कुछ कीड़े निकल रहे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ ये बर्ड यहाँ से वहाँ जा चुके हो, शायद से अभी ये गिर जाएगा। ओ गाइस, ये वाला ट्रंक जो है गिर गया है, एंड फिशिंग रोड अभी इसके ऊपर चली गई ऑटोमेटिकली। अब हम लोग यहाँ से फिश भेजते हैं, बट मैं फिश पकड़ के क्या करूँगा, फिश खाएंगे क्या हम लोग, फिर पानी में तैर भी पाएंगे? ओए एक सेकेंड, ये कुछ काम कर रहा है बट फिश ऊपर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस मैं समझा, समझ नहीं आ रहा यार सिस्टम आखिरकार है क्या। ओए, मैं फिशिंग रोड के ऊपर बैठ गया, और अभी हम लोग इसे घुमाएंगे। ओ भैंस की, ये कहाँ फेंक दिया मेरे को। मैं पता नहीं गाइस कहीं पर आ चुका हूँ। अरे भाई, किसी के घर की खिड़की में आके मैं भिड़ा हूँ, और नीचे एक कैट है। हेलो म्याऊ, मेरे से पंगे बदले हो तू बिल्कुल भी। लेफ्ट साइड में स्पाइडर वेब है, और सामने की तरफ में एक डोर लॉक है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ओ भाई, ये कैट हमें वहां जाने नहीं दे रही है, देखो भाई कैसे वापसी भेज रही है। अभी मुझे क्या करना होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इस कैट को मार सकता हूँ क्या? नहीं, हम लोग इस कैट से भी पंगा नहीं ले सकते। नीचे एप्पल पड़ा है, वो मैंने एप्पल खा लिया, और एप्पल खा के स्पाइडर की वेब पे को थूका मैंने। एक सेकेंड, स्पाइडर वहां पर आ गई, और एक कैट का ध्यान उधर जा चुका है। और अभी हम लोग इस डोर पे चल लेते हैं, खत्म। बट ये डोर ऐसा नहीं खुलने वाला, मेरे को पता था इतना ज्यादा आसान नहीं होगा ये वाला काम भी। यहाँ पर अभी मैं क्या करूँ, इस तरफ में गाइस एक होल है, इस होल के अंदर जाएं क्या? एक सेकंड यार, कैट तू क्यों मेरे को परेशान कर रहे, तो खा जाऊंगा इधर, क्यों भिड़ियो मेरे से, उधर चल के देखते एक बार। अरे भैंस की, खा जाना कैट तू मेरे को, अगर इसने गाइस मेरे को खा लिया ना तो ये जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि हम लोग एक एलियन है और हमारे अंदर बहुत खतरनाक जहर है। तो अभी किया क्या जाए मेरे को समझ नहीं आ रहा। हम लोग इस कैट से भी पंगा नहीं ले सकते, इस होल में भी नहीं जा सकते, और स्पाइडर तो भाई पता नहीं करने ही क्या आई है। और इस तरफ में ये गेट है, और ओ एक सेकंड, यहाँ पर कुछ क्लिक करने का आ रहा है। ओ भैंस की, इसने पेड़ नीचे खींच लिया, बिल्ली का ध्यान ऊपर गया और यहाँ पर अंदर आ गया। और ये हम लोग कहाँ आ गए भाई, मुझे यहाँ पे चार लीवर दिए गए हैं। ओ, इसके अंदर से गैस निकल रही है, ठीक है। मैं ब्लू वाला यूज करूँ तो मैं नीचे आ जाऊंगा, रेड वाले से भी नीचे आ जाऊंगा, एंड इसमें कम गैस, अच्छा येलो वाले के अंदर सबसे ज्यादा गैस है। ओ भाई तेरी, मैं तो फिर से बाहर आ गया। ओके, अभी हम लोग शायद से बड़े हो गए हैं क्या पहले से। और गाइस बिल्ली का सारा ध्यान उधर है, क्या हम लोग बिल्ली को खा सकते हैं? ओए भाई, ये क्या था भाई, ये क्या था। बट जो भी हो, अभी हमने इस कैट को खा लिया है, और अभी हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अभी वाला गेट, ओके अभी वाला गेट खुल गया, हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर घर में कोई आंटी जी बर्तन साफ कर रही है, और उनका खतरनाक डॉग भी यहाँ पर बैठा हुआ है। उसकी आवाज सुनो भाई, भाई भाई, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। मुझे करने क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर इधर कुछ ड्रॉर्स हैं, ये वाला ड्रॉर खुल सकता है। ओए, वापस बंद कर दिया,
ये तेरी ऐसे की तैसी, वापस कैसे बंद कर दिया? बेकोली से खोले रख, मैं इस पे से चढ़ के जाऊंगा। ये जाने नहीं देगी। यहाँ एक बटन है, ये बटन से क्या? अबे पता तो करने दे, हो क्या रहा है भाई? हेलो, ये बटन भी नहीं दबाने दे रही। ऊपर यहाँ पर एक बल्ब है, इधर एक जार पड़ा हुआ है, एंड इस जार के अंदर हम बटन वटन दबा सकते हैं क्या? बटन दबेगा बट उसके अंदर हमें, ओ यहाँ ऑरेंजेस है, अगर हम लोग इस जार के अंदर कुछ ऑरेंज डाल दें तो क्या होगा? इसको स्टार्ट कर दो। ये तो ऑरेंज बनने लग गया भाई, ऑरेंज जूस बन रहा है, कुछ देख तो उधर, इसको खोल दूँ क्या? वो गंदगी मच गई, ये उधर गया। मैं ड्रॉर खोल देता हूँ, ले बेटा। मैंने खोल दिया, अब कर ले इसकी, वापस बंद कर दिया इसने। मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये फ्रिज वगैरह खुलेगा क्या? बस एक ही ड्रॉर खुल रहा है। वैसे यार एक सेकंड, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ इसी तरीके से होना जहाँ तक मुझे पता है। इस ढक्कन को खोल के मैं यहाँ पर चलाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट होकर उधर जाएगी, फिर हम लोग यहाँ पर पानी चला सकते हैं। बट अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। पानी, ओए ये पानी से फिसल के गिर गई दराज में, इसका सिर भिड़ गया, ये बेहोश हो गई थी, पर उठ कैसे गई? मुझे लग रहा था मैंने कर दिया। शायद मुझे समझ आया, इस नाइफ या फिर इस बटन से कुछ ना कुछ होना है। अभी एक बार गाइस मैं दोनों यूज कर दूंगा। पहले मैं इस जार को ओपन करना है, इसके अंदर ऑरेंज डालना है, एंड इसका ढक्कन खोल के मुझे यहाँ पर इसे ऑन करना है, फिर पानी स्टार्ट करना है, इसको खोलना है, इसको होना है, और ये बटन भी दबा देता हूँ। ओ भाई ये गिर चुकी है बड़ी गंदी तरह। अच्छा इस बटन से वाली वेंट खुलनी थी, अपना काम उसी से हो गया है। बट अभी यार ये डॉग यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं जाऊँगा कैसे? मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये नल वगैरह सब कुछ चल रहा है, ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या मैं इसी तरीके से? यहाँ पर ये बल्ब है। अच्छा पहले मुझे खुद पे ही क्लिक करना है, उसके बाद इस बल्ब पे क्लिक करके अंदर जाना होगा। ओके तो मैं समझ गया, बेचारा डॉग बैठा ही रह गया, उसकी मालकिन मारी जा चुकी है। और अभी यहाँ पर शायद से इस लेडी के दो बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं, और जिन्होंने कपड़े बहुत गंदगी से फैला रखे हैं यहाँ पर। इस तरफ में एक्वेरियम है, एक बर्ड है। ये बर्ड यहाँ कैसे आ गई? अभी तो बाहर घूम रही थी। कोई नहीं, पहले हम लोग, अच्छा हम लोग इस वेंट में है ना, इसको खोलना पड़ेगा। हाँ वेंट से आए थे हम लोग, इसके अंदर चलते हैं। भाई ये क्या था, फिश के मुंह में ही घुस गया मैं, उसको खा के देखो भाई कैसी सी लुक हो चुकी है अपनी। और यहाँ पर एक बर्ड है, इस बर्ड को मैंने खोला, ये अपने मालिक के पास जाके बैठ चुकी है। बर्ड मेरे को करना क्या है? यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, ये ड्रॉर खुलेगा क्या? ड्रॉर भी नहीं खुल रहा, कुछ बुक्स पड़ी है। ये तो भाई साहब पूरे घोड़े बेच के सो रहे हैं भाई, सही में खतरनाक तरीके से। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, बर्ड फूड इधर गिर चुका है, तो ये बर्ड इसे पक्का खाने आएगी। बट आ क्यों नहीं रही, मैं तेरे को खा सकता हूँ क्या? ओए इसको मारो भाई, भाई फ्रॉग वाली पावर। तो हमने फ्रॉग खाया था, इसलिए हम लोग ना किसी के ऊपर भी ऐसे जीभ मार सकते हैं अपनी। तो यहाँ कपड़े हैं कुछ, ओए मैं कपड़ों के अंदर छुप गया। अच्छा इस बर्ड को लगा भी मैं जा चुका हूँ, यहाँ पर इसे खाने आ चुकी है, मैं इस बर्ड को खा जाऊँ? ओह इसे मैंने खा लिया भाई, क्या खतरनाक था। पर अभी मुझे क्या करना होगा, मुझे इस रूम वगैरह से बाहर निकलना है क्या? भाई इसकी लुक देखो, इसके पास उड़ने की एबिलिटी आ चुकी है, और मैं शायद से भी इस बंदे को भी मार सकता हूँ। ऐसा होगा क्या? मेरे को लग रहा है ऐसा होने वाला है कुछ। भाई कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है अपना मॉन्स्टर, पहले इतना छोटा सा था, पूरे बंदे को बस खाता ही जा रहा है। और नीचे वाले बंदे की आंखें देखो कैसे खुल के कर रहा है, पटाखा कहाँ बजा भाई, लग रहा है दिवाली वाली आ गई है। बट अभी मुझे करना क्या होगा समझ नहीं आ रहा। ये नीचे चला गया और इसको खा सकते हैं भाई, उसका हाथ कहाँ से निकल कर आया था नीचे, भाई 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 गलत सीन। अभी हम लोग कहाँ पर है? ओ भाई ये कितना पावरफुल हो गया है भाई, भाई ये क्या खतरनाक सीन हो गया, ये एलियन तो बढ़ता ही जा रहा है। ओ खत्म गेम भाई, हम लोग जीत गए। तो गाइस हम लोग ने द विजिटर तो पार कर ली, बट ये है द विजिटर रिटर्न्स। तो मुझे वो पत्थर आसमान से आता हुआ दिख रहा है, ओ भाई ये सीधा जमीन पे आके गिर चुका है, और वापस से हम लोग इस पत्थर से बाहर आ चुके हैं। और आज हमें दोबारा से इन अलग अलग बंदों को खाकर एक बड़ा मॉन्स्टर बनना है। लेकिन गाइस आज हम लोग किसी नदी के किनारे नहीं, एक गार्डन में आके गिरे हैं, जहाँ पर एक पीछे मशीन पड़ी हुई है ग्रास काटने वाली है, यहाँ पर एक बॉक्स है, एक लाइट है, और ये डस्टबिन में लॉक कौन लगाता है भाई? ऐसा कौन सा कीमती कूड़ा रखा हुआ है इसके अंदर भाई? और ये रकून जैसा या फिर कैट जैसा कुछ तो है, शक्ल तो इसकी रकून वाली है, बॉडी शेप वैसे रकून की भी बॉडी शेप कैट जैसी होती, तो रकून है। और ये इस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है, हम लोग खोल देते हैं। अच्छा इसके अंदर भाई लॉक लगा हुआ है, बट इस लॉक को मैं कैसे खोलूंगा? यहाँ पर इसको खा जाते हैं ना हम लोग। ओए मेरे को खा ले रकून, तू बहुत टेस्टी हूँ मैं, प्लीज मेरे को खाओ। हेलो भाई इसने हमें खाया ही नहीं, उल्टा मारा है बहुत गंदे तरीके से। तो अभी हम लोग इसको तो नहीं मार सकते, कुछ ना कुछ तरीका तो होगा जो कि मेरे को समझना पड़ेगा। इस मशीन को स्टार्ट, ओ ये स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है तो मुझे देखना पड़ेगा अभी हमें करना क्या है। यहाँ एक बॉक्स है, खुल गया, इसके अंदर एक हैमर पड़ा हुआ है, तो हम लोग इस हैमर को ले लेते हैं और इस रकून के सर पे मार देते हैं। अच्छा नहीं मार सकते, ठीक है। अच्छा इस हैमर से हम लोग इस ताले को तोड़ सकते हैं, खुल जा। अबे ताले को नहीं, इसको तोड़ें।
ओ वाओ ये खुल गया, इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। ओके ढक्कन खुल जा, ढक्कन कैसे, ये भाग क्यों गई खाई से? अच्छा धक्का मार के उधर देखने गई थी। गाइस ये डाकू ना फुल कूड़ा खाने में मस्त हो रखा है, हम लोग इसी को चलकर खा लेते हैं। खाओ बेटा आराम से खाना खाओ। और भैंस की डंग भाई ये थूप बहुत तेज है। तो ये तरीका भी काम नहीं करा, मुझे लग रहा है इस ग्रास कटर से कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पर लैंप वगैरह, ओए वायर निकल गई इसकी, ठीक है अगर हम इसकी वायर लाकर इसके अंदर लगा देता हूँ। वो लग गई, ये स्टार्ट होएगा क्या? ये स्टार्ट हो गया और इसके शोर से ये भाग चुका है। अगर अभी हम लोग इसके खाने में जाके बैठ जाए और ये गलती से अब हमें खा जाएगा। मैं समझ गया। अब इस मशीन को ऑफ कर दिया, वो वापस से कूड़ा खाने आ चुका है। गलती से हम लोग उसके मुंह में चले गए भाई। अब हमारे पास गाइस एक रैकून के नाखून आ चुके हैं, आप लोग देखो। ओके तो अभी हम लोग किसी दूसरी जगह पर आ चुके हैं और यहाँ पर तो भाई बहुत सारी चीजें। और ये पीछे गाइस वैन देखो, जिसने बेंटन देखा है ना भाई, वो बंदा इस जगह को अच्छे से पहचान जाएगा। बेंटन का कोई तो एपिसोड था जिसमें सेम यही सीन आया था। फिलहाल बेंटन को साइड रखते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं क्योंकि अभी हमें खतरनाक मॉन्स्टर बनना है। तो यहाँ पर भी गाइस एक रैकून है, हम लोग इस रैकून के पास ही चलते हैं सीधा। अभी तेरे भाई को मार गया हो तेरे को भी। भाई ये क्या चीज थी ये, देखो गाइस एक बार फोकस करा जाए इस चीज के ऊपर। भाई बड़ा बड़ा बदतमीज रैकून है। कोई नहीं बड़ा, तेरे को तो चबा चबा के खाऊंगा, टेंशन मत ले। यहाँ पर गाइस कुछ कुछ चीजें जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको यहाँ रख दो। सही में रख सकते हैं, वाओ। यहाँ पर कुछ बियर की बॉटल्स है जिससे हमें दूरी बनाए रखनी है। यहाँ पर लकड़ी उठा के, लकड़ी नीचे आनी चाहिए ना, यहाँ आग लगानी है, इतना तो मैं समझ गया। यहाँ आग लगानी है और ये खाना कुक हो जाएगा। बट ये तो ऑलरेडी शायद कुक्ड फूड होता है, इसमें बस पानी मिलाना होता है। यहाँ पर ये कागज का भी यूज कर सकते हैं, कागज भी नीचे लगा दो, आग तेज पकड़ेगी। बट आग लगेगी कैसे मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। ये फूड इसका मैंने हवा में उठा दिया और इस फूड को हम लोग खुद खा जाएं, खुद भी नहीं खा सकते। इस टेबल पे रख दो, ये टेबल पे आ जाएगी, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस ओए एक सेकेंड, ये ऊपर से स्पाइडर नीचे आ गई और वो रैकून जा चुका है। ये स्पाइडर उस फूड को खाने आ गई है बट मुझे नहीं पता अभी इसका क्या यूज़ है। हम लोग इस स्पाइडर को खा जाते हैं। अच्छा वो सही में खा लिया भाई, ओ तेरी। अपने पीछे गाइस देखो स्पाइडर जैसा, जो स्पाइडर की होता है उसका पेट टाइप जो भी है, जिसके अंदर उसका सारे के सारे जालों का मसाला भरे रहता है जो भी कहते हैं उसको, वो हमारे पास आ चुका है। एंड अभी हमें इसके अंदर आग लगानी है बट वो लगेगी कहाँ से? आग लगाने के लिए हमें कोयला चाहिए होगा और यहाँ पर एक होल है। हम लोग इस होल के अंदर चलें, एक बार चल कर देखते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ हो जाए एकदम मस्त। फटाफट लेट्स गो। नहीं कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हम लोग मतलब ऐसे नहीं जा सकते, वो टूटा उसका यूज तो है इतना मुझे पता है। इसमें जो भी चीजें है ना सबका कहीं ना कहीं यूज है। तो गाइस हम लोग यहाँ शर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, इस शर्ट के अंदर एक लाइटर है, इसी से आग लगनी है, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। इस लाइटर को हमें यहाँ यूज करना है और ये लग गई आग, लेट्स गो। हमारे भाई का अंदाजा बिल्कुल सही था, खाना यहाँ पे गिर चुका है और वो रैकून वापस से आ गया खाना खाने। अच्छा उसका वहाँ वाला फूड खत्म हो गया था इसलिए वो चला गया था। हम लोग इसको खा लेते हैं, सिंपल खत्म इसका गेम। अभी देखते हैं क्या होता है। खा लियो भाई, तेरे पास मकड़ी की ताकत है, ड्रामेबाजी नहीं। ओ खा लिया भाई अभी। अच्छा पहले उसके ऊपर जाले डाल के फंसा लिया और अभी से खा लिया भाई, खतरनाक होते जा रहा है। छोटा हो गया बट डेंजरस हो चुका है। अभी हम लोग इसके अंदर जाके देखते हैं क्योंकि अभी की लास्ट यही चीज़ बची है। तो ओके गाइस अभी ना अपना छोटा मॉन्स्टर इस वैन पे चढ़कर आ चुका है और उसने यहाँ पर आकर रैकून की गैस छोड़ दी उसने अंदर। और हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं इस वैन के। वैन के अंदर तो बुड्ढे भाई साहब जी यहाँ पर एक ड्रिंक पीने में मस्त हो रखे हैं और यहाँ पर इनका भाई डेंजरस डॉग है। ओ भौंक रहा है हमारे ऊपर, डॉबर मैन है भाई ये। तो अभी एक अच्छी बात यह है कि जब हम लोग इस डॉग को परेशान कर रहे हैं तो इसका मालिक किसी को डांट रहा है। ओके तो मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ मुझे ये देखना है। यहाँ पर कुछ ड्रॉर्स है जिन्हें मैं शायद ओपन कर सकता हूँ। ओके और इसके अंदर यहाँ पर कुछ प्लेट में पड़ा हुआ है, इसको गिराते हैं। ये क्या हुआ? ओ, इसने डॉग को भगा दिया बाहर, चल बाहर निकल, उधम मचा रहा है यहाँ पे। गलती हमने करी, डांट बेचारे उस डॉग को सुननी पड़ गई, बट अच्छी बात है कि अभी वो बाहर जा चुका है। यहाँ पर कुछ तो है, मतलब कोई कीड़ा टाइप है। ओए इसको भी हमने खा लिया। हमारे वो देखो भाई बीटल की जो होता है वो हमारे भी निकल आया ऊपर। यहाँ पर कुछ प्लेट्स है। जब मैं प्लेट को छू रहा हूँ तो इसका डॉग इसे बताने आ रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, बट वो भगा दे रहा है। यार इसका डॉग बहुत समझदार है वैसे। यहाँ पर एक इसकी सिगरेट्स वगैरह पड़ी है, ये फिर समझ नहीं आ रहा गाइस अभी वो करना क्या। अपने ऊपर क्लिक कर सकते हैं हम लोग। ओ अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। अच्छा शायद गाइस हमें इस डॉग को चुप कराना है, हम लोग इसे खा सकते हैं शायद। ओ खा लिया भाई, उसका डॉग भी गया।
हमारे पास एक डॉग के टीथ आ चुके हैं डेंजरस वाले। अब हम लोग अंदर चलते हैं, हमें परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। बट मुझे करना क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऊपर की तरफ में कुछ ड्रॉर, ओ ये खुल सकता है। इसके अंदर से मेरे को एक स्प्रे मिला है, इस स्प्रे का क्या यूज़ है पता नहीं, शायद इसके लाइटर से हम लोग इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं। इसका लाइटर का यूज़ होगा क्या? देखो पहले ये चीज़ गिर नहीं रही थी, इसका डॉग बता दे रहा था, बट अभी ये चीज़ गिर चुकी है। तो फटाफट से हम लोग इसका लाइटर और स्प्रे यूज़ करते हैं, शायद इससे कुछ हो। ओह भाई यहाँ पर आग जल तो रही है बट इससे कुछ हो नहीं रहा। प्लेट वगैरह यूज़ करके देखें। ओह अच्छा प्लेट हिली, ये डरा और बियर इसके हाथ पे गिर गई। शायद इस बियर के अंदर अल्कोहल जो होती है ना, मतलब उसके अंदर आग लग सकती है शायद से। ओ उसका हाथ जल गया गाइस गंदी तरह। बट क्या इसका मतलब क्या बना मेरे को समझ नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, अपने ऊपर क्लिक कर सकते हैं? नहीं अपने ऊपर भी नहीं क्लिक कर सकते, इस बुड्ढे के ऊपर। ओए मैं इस बुड्ढे के ऊपर क्लिक कर सकता था और अपना कीड़ा नीचे आ चुका है, इसको मारेगा क्या? ओ भाई भाई बहुत गलत सीन है। उसकी वाइफ जो थी उसे पता चल गया कि उसके हस्बैंड को किसी खतरनाक कीड़े ने या फिर किसी खतरनाक एलियन ने मार दिया है, और अभी वो अंदर चिल्ला तो रही थी, हम लोग अंदर चल के उसे भी मारेंगे शायद। ओए वो फायर कर रही है ना वो शायद। ओ तेरी, जैसे ही मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बुलेट चला रही है देखो। अरे भैंस कीड़ा इतना पक्का निशाना। तो एक बार दोबारा अंदर जाने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं भाई अंदर जाना इम्पॉसिबल है भाई, वो चीथड़े उड़ा देगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक शार्प शूटर है। शायद हमें यहाँ से बाहर ही निकलना होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। वो देखो उसकी हमें शैडो यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ से अंदर चलते हैं। अब इसको बताऊंगा बेटे बहुत खतरनाक एलियन। अबे भाई ये कैसे मार दे रही है इतना खतरनाक? कुछ तो यहाँ पर होगा, ये लाइट्स वगैरह ऑफ कर सकती है क्या इस वैन की? पता नहीं यहाँ पर। ओए ये खुला, इसके अंदर चिल्ड बियर पड़ी है। बियर से अच्छा उसने अपनी बुलेट जो है इसके ऊपर मार दी। अभी हम लोग अंदर जाएं, शायद जा सकते हैं, शायद उसके पास एमो खत्म होगी क्या? इसके पास नहीं एमो है ये बैटरी भाई। तो गाइस देखो अपने पास ना चार ऑप्शन है, या तो हम लोग इसे अपनी नाखून मार दे, या दांत से काट ले, या बीटल की ये चुभा दे, या फिर हम लोग इसके ऊपर स्पाइडर वाला फेंक सकते हैं, या फिर वो जहर फेंक सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे तगड़ा तो दांत वाला रहेगा। अरे भैंस की नहीं भाई गंदी तरह मारा इसने हमारे शॉट, दांत वाले तरीके से नहीं होगा, हाथ वाले से भी नहीं होगा, उसके पास गन है, वो तुरंत चला रही है। तो हम लोग इसके ऊपर जाला फेंकते हैं। ले भाई इसकी गन ही हमने ब्लॉक कर दी। अब आवेड़ा अब अरे भाई मार दे रही है तू। एक सेकेंड ये मैंने इसके ऊपर जाला डाला और ये धुआं कर दिया। ओके भाई गलत सीन हो गया इसके साथ। अब खा जाए। ओके नहीं भाई बहुत गंदी तरीके से मार रहा है भाई। तो ओके गाइस हम लोग बन चुके हैं एक खतरनाक मॉन्स्टर। आज हम लोग ने द विजिटर एंड द विजिटर रिडंस दोनों पार कर डाली। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो पे जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 55 लाख, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 लाख लाइक के लिए। तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे वो जो रेड कलर का एक बटन आ रहा है ना, प्यारा सा बटन, उसको ग्रे कर दो, रेड नहीं रहना चाहिए वो। फटाफट से उस बटन को दबा दो, फ्री है यार, क्या टाइम पास क्यों कर रहे हो, दबा दो उस बटन को। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, गुड बाय।